हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज देखो ना, आज इतनी बरसात के बाद आप देख रहे हो ना, बाहर देखो धूप लगी है। तो हम जा रहे हैं कुछ काम से ना, तो थोड़ा सामान छोड़ना है। मैं आपको यहाँ बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना अच्छा है। हाँ, तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है। विजिबिलिटी आपको पहले ही मैंने बोला कि जब भी बारिश होती है ना, तो विजिबिलिटी कितनी अच्छी हो जाती है। ये देखो चांचल जो है बादलों से घिरा हुआ है, बट अब देखो नदी कितनी कम हो गई है। पहले यहाँ यहाँ तक थी, मैंने पहले भी दिखाया आपको पिछले ब्लॉग में, आपने देखा होगा ना। तो कितनी स्लाइडिंग हुई है, देखो यहाँ स्लाइडिंग, लैंडस्लाइड्स, यहाँ लैंडस्लाइड और यहाँ लैंडस्लाइड, यहाँ लैंडस्लाइड। और बताऊँ यार, कितनी बर्बादी की है बारिश ने, मेरे सारे पौधे। कुछ एक पौधे यहाँ पे ठीक है ना, बट कुछ एक देख रहे हो ना, हालत देख रहे हो ना, ये देखो बर्बादी, देखो कितनी बर्बादी। ये दिखाया, मेरा पौधा भी तोड़ दिया था, अब मैंने इसको कर तो दिया था, यहाँ से मैंने पैक कर दिया, यहाँ से ब्रेक हो गया था। ये रूट स्टॉक है इसका, ये यहाँ से टूट गया था ऊपर के लिए, फिर अब मैंने बांधा हुआ है, अब जैसे तैसे करके देखते हैं चलता है कि नहीं। क्या ये हो सकता है भाई, सूख के आ गए अभी, ऐसा ना पोली, ऐसे मतलब गिली है मिट्टी हुई ना, पोली पोली हुई है, हो सकता है आएगा मे बी। चलो एक्चुअली ने सामान देने के लिए जा रहे हैं, और इधर से क्यों आए? इधर से ही जाना था। ये देखो इधर भी गिरा हुआ है, इतना बड़ा पत्थर आया हुआ है, पेड़ था। हाँ ये तो हमने काट कूट के नीचे डाला ना, फिर रास्ता ही नहीं था यहाँ चलने को। लेट्स गो, दीदी को सामान दे के आते हैं। एक्चुअली इनकी जो मामू की बेटी है दीदी, उनको हम सामान देने के लिए जा रहे हैं, पूजा दीदी को। अभी आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड इधर भी हुआ है, हुआ है। यार ये थोड़ा सा वो अपना ना लोकल एक्सेंट आ ही जाता है बीच में, तो मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें, कुछ नहीं कर सकती। इधर तक ऊपर तक पूरे लाइन ही निकल गई है, यहाँ से गिरा है पेड़ सारा, ये इधर इधर ऊपर से चल रही है, चल रही है सारे में। इधर पर भी बड़ा सा पत्थर आया हुआ है, आया हुआ है तो ठीक बोला है, तो चलता है भाई। देख सकते हैं लाइट एंड साउंड हमारी गाड़ी में। एक्चुअली ये लाइट एंड साउंड मेरे कपड़ों का है, इसमें जो मेरा साउंड नहीं है, लाइट ही लाइट है यार, साउंड मेरा है ना यार, लाइट ही है साउंड जो मैं अपने मुंह बोल रही हूं। क्यों करते रहते हैं आप बात बातें मेरी। क्या बोल रहे थे दीदी ने? बोला आर 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 लग रही है तू आज, आर 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 बोले तो एड्रेस के लिए। सो फाइनली पहुंच गए हम, और मैं ले रहा हूँ स्विस चॉकलेट का मजा। लगी कैसी लगी ये बताओ, कैसी लगी? इसके ऐसा पता नहीं चला क्या। तो हम लोग घर आ गए हैं। एक्चुअली ये ड्रेस ना मैंने सुबह ही पहन ली थी, क्योंकि हम थोड़ा सा शूट कर रहे थे, फिर उसके बाद शूट वगैरह करने के बाद शाम को हमारे को ऐसा था कि हमने जाना है दीदी के घर। दीदी के घर हम लोग गए, वहाँ से अभी हम वापस आ गए हैं। फेस वगैरह मैंने वॉश कर लिया है, लेकिन मैंने एक लिपस्टिक अप्लाई की हुई थी जिसका रिव्यू आप लोग देखेंगे इस पर यूट्यूब शॉर्ट्स में, और वो थी मामा अर्थ की लिपस्टिक, जिसको मतलब मैंने फेस वॉश किया पर वो नहीं निकली, और मैंने अब उसको इससे निकाला है। अब मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी देखने को, कि मैंने कौन सी लिपस्टिक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है काफ़ी, और ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती, यू कैन गो फॉर इट। और अभी हम लोग चलते हैं किचन में, क्योंकि आज फिर से जलेबी बना रहे, क्योंकि मम्मी को मन था कि जलेबी खानी है। ऐसे बोलते हैं मम्मी कि बहुत दिन से तो तुमने जलेबी नहीं खिलाई रोहित, रोहिता बहुत दिन से, क्या बोलते हैं मम्मी, जलेबी चाहनी थी, हाँ रोहिता जलेबी चाहनी थी, नहीं आ रहा बोलना। चलो किचन में चलते हैं, आज शायद पनीर बना रहे हैं और जलेबी बना रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से मेरा वजन कभी भी कम हो पाएगा, पर चलिए। वो आज तक साइज नहीं हुई शिट। बन गया है बैटर जलेबी का, ये हम लोग जाने से पहले ही, मतलब मैं नहीं, मेरे हस्बैंड जाने से पहले तैयार करके गए थे। एक्चुअली यही है जलेबी एक्सपर्ट, यहाँ पे
चाशनी की तैयारी हो रही है और यहाँ पे बन रहे हैं, आज बन रही है पनीर भुर्जी। छुट्टी किचन से, क्योंकि आज मम्मी चपाती भी यही बना रहे होंगे आज, है ना? चपाती ही बनाएंगे अब आप। भाई जब मैं शिमला में रहता था, रोटी मेकर है आपके पास? हाँ, तो वो नहीं है, आपने खुद बनानी, खुद बनानी खुद। भाई तुम्हारे चपाती खाने से मतलब है? नहीं, मेरे को हैंडमेड चपाती चाहिए ऐसी, ये मशीन मेड नहीं चाहिए मुझे, हैंडमेड चाहिए। बनाएंगे आप? आती है ना पक्का, आज आप ही बनाएंगे, फिर मैं खड़ी रहूंगी आपके साथ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि जो कोई इंसान कर नहीं सकता। एक तो आप बाबा जी इतने प्रवचन क्यों लग जाते हैं हर वक्त देने, कुछ भी बोलूंगी प्रवचन शुरू क्या करें आदत। अच्छा, और एक और बात बताओ मुझे, आपने मम्मी पापा को आश्रम में क्यों छोड़ा? आश्रम में? हाँ, अरे वो वैसा आश्रम नहीं है उसमें, भाई इतने बड़े बड़े आश्रम में मैंने दिखाया उस ब्लॉग में प्रॉपर कि भाई ये हंस क्या था, वो था क्या था, मानव उत्थान सेवा समिति कहीं उसमें आश्रम लिखा था, बट वो ऐसे वाला आश्रम नहीं है। मतलब जैसे आश्रम होता है, मतलब लाइक ये इनका मतलब गुरु दरबार टाइप समझ लो, जहाँ पे भजन कीर्तन होता है, हर संडे को भजन कीर्तन होता है, कोई वो जा सकते हैं, जहाँ जहाँ भी इनके वो है कि मतलब वहाँ होता है, वहाँ पे भाई महात्मा वगैरह होते हैं, वहाँ पे इनके ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब भाई जी होती है और महात्मा होते हैं, तो वो जाते हैं, मतलब भजन भजन होता है, फिर वो थोड़े बहुत सत्संग सुनाते हैं, ठीक है, हर संडे को होता है वो। यहाँ देख सकते हैं आप, अभी भी पूजा चल रही है और मम्मी भाग रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये है पापा जी के गुरु जी, वो चले गए मंदिर में अंदर। मल्टी टैलेंटेड पापा, मतलब एक हाथ से घंटे जाते हैं, एक हाथ से शंख जाते हैं। अच्छा, और आप? यार मैं जब छोटा था ना तब मैं ढोलक बजाता था, बहुत। ये आप 100वीं बार बता रहे हो आज व्लॉग्स में कि मैं ढोलक बजाता था, मुझे बहुत शौक था। हाँ, मैं वही करता था पूजा के नाम पे, तो मतलब ढोलक भजन गाते थे ना, तो मतलब आरती वगैरह करते थे, तो फिर ढोलक बजाते थे। चाशनी तैयार हो गई? तो अरे पता नहीं और ही रंग की जा रही है। अरे आपको आरती नहीं बनानी है शायद? नहीं नहीं, ऐसे तो मैंने 100वीं बार बना दिया होनी चाहिए। 100वीं तो नहीं हुई अभी तक भाई, 20 हो सकती है। मैंने 100 नहीं, 20 लॉकडाउन में सीखी थी मैंने। 100 फिर भी नहीं हुई। पूछा मम्मी से, मम्मी 100 जलेबी तो खा ली होनी आपने मेरे हाथ की? टोटल 100 जलेबी खा ली होगी, 100 बार नहीं खाई होगी। धूल लग रही हूँ, मुँह देखो मेरा। पापा जी पिछले उसमें व्लॉग में ना पता क्या हुआ, सुना क्या बोलते कि तुम लोग ना बोले पाप लगेगा तुम्हारा, बोले तुमने ना बोले मम्मी पापा को बोले आश्रम छोड़ दिया, बोले अब बताओ आश्रम किसका है, क्या है वो आश्रम, कैसा आश्रम नहीं है ना, कहाँ छोड़ा आश्रम? नीचे शिमला में वृद्ध आश्रम थोड़ी है वो, तब वो आश्रम है महाराज जी का, तो हमारे लिए बनाया, मतलब जो होती है प्रेमियों के लिए, जो वहाँ पे लोग इनके भक्त है, जो हॉस्पिटल बीमार शिमार कोई भी ठहरना हो गया ठहरते, फिर सत्संग भी होता है वहाँ पे, सत्संग होता है वहाँ संडे को 2 बजे से 5 बजे शाम के टाइम होता है, और हॉल भी देखा ही होगा उसमें ब्लॉग में, दिखाया तो सब बड़ा था, दिखाया तो सब कुछ था हमने, पर फिर भी। हाँ, फिर भी अब इनकी जुबानी सुन लो ना कि क्या कौन सा, अभी भी इसमें भी क्या आएगा, जबरदस्ती बिठा दिया है अपने पापा जी को, अपने उनसे जबरदस्ती बुलवा रहे हो, ओ जबरदस्ती भाई, फिर तो ये कुछ नहीं कर सकते, तो आप फिर तो दिमाग में फर्क पड़ा हुआ है, ठीक है जो समझना सब ठीक है, तो मतलब हाँ, तो पता लग गया ना वो आश्रम किस चीज का है, वो ऐसा आश्रम नहीं है जैसे वृद्धाश्रम थोड़ी ना, वही तो आश्रम है वो, सत्संग और क्या और वहाँ पर हर संडे को सत्संग होता है, संत महात्मा होते हैं वहाँ, सेवक होते हैं। बिल्ले हमारे पे इल्जाम लगा दिए गुरु महाराज जी, पापा कैसे?
उस टाइम पता कैसा कितने छोटे थे मतलब मम्मी का हाथ में ऐसा चलता था ना तो मतलब अब सोचो ऐसा ना देखो 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 यहाँ सोचा पता कितना होने अब कितने छोटे होने की भाई बाजू ऐसे करके जाते थे ऐसे करके ठीक है कब का मम्मी का इतने छोटे अब इतना बड़ा हो गया अब बहुत बड़ा ठीक है चलो बनाओ मम्मी का मनी प्लांट कैमरा कॉन्शियस आप भी ऐसे ही है आप कौन सा नहीं हो तैयार हो गया है मम्मी ने बनाया हम लोग और मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है खाना पता है मम्मी मम्मी है भाई मैं गेस कर सकती हूँ कौन सा गाना गा रहे हो बोलो आपने नहीं सुने तो आप लोग मैं बहुत गंदा गाती हूँ चलो लक्ष्मी के हाथ लगना जरूरी है ना अब बनी देखो मस्त ओ कुक दी बे अरे फैमिली कैसे होती है यस एक ही डूबी इसमें तो ये जलेबी तो क्या मतलब ये पता क्या जलेबी जलेबी हो गई है तैयार आ जाओ इतनी सारी बनाई जैसे हमारे घर में 20 मेंबर होंगे बहुत सारी है आपको खुद को पसंद है ना जलेबी मैं तो शायद एक पीस खाऊंगी एक और दो तीन दिन से बोले थे जलेबी जलेबी बोले खाओ इतने काम ये आज ही बने क्योंकि आज उन्होंने जलेबी बनाई है वरना ये भाई जब मैं खुद काम करता हूँ साफ करते ही देता हूँ पर करते ही कभी कभी हो ना आप वंस इन अ ब्लू मून आज ये आधे घंटे खड़े क्या हो गए किचन में बोल रहे क्या बोल रहे हो नहीं इधर से ठीक है इधर से नीचे बोलो खत्म है काम उफ ये ना इनको आदत है पाप लगाएंगे ताकि मैं इनकी टांगे दबाऊं करो इधर टांगे आ जाओ लो फोन पर दबानी नहीं देर लगा अभी तब तक के लिए दबाती हूँ देर लगाऊंगी जब सोएंगे आप तो आज का व्लॉग ये हम यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें जो पिछले व्लॉग में कई लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई आप मतलब आश्रम में ये वो सो पत्नी कभी मतलब आप कुछ भी बोलिए आपको आज़ादी है आप फ्री हो कमेंट करने के लिए बट कमेंट जब करते हो ना तो पहले चीज़ों को देख लिया करो पहले कैसे बोलते उसको यार पहले तोलो फिर बोलो तो मैं ये आपको ना ताना मार रहा हूँ ना मैं आपको ऐसे फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि भाई आप ऐसा करो बट एक सोचने समझने की क्षमता ना हर इंसान में होती है तो आप प्लीज सोच समझ के कमेंट किया करो ना कि हमारी वीडियो में कि सबकी वीडियो में जो भी व्लॉग कोई भी छोड़ो एनी वीडियो हाँ कोई भी वीडियो होती है किसी की भी वीडियो नहीं कि हमारी वीडियो के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ किसी की भी वीडियो होती है बट नेगेटिविटी अगर आप फैलाओगे ना तो वापस आती है वापस हाँ मैंने बोला ना कि वो काल चक्र है ना वो वापस आ बट ऐसा करें क्यों हम ऐसा कदम ही क्यों उठाएं कि भाई हमारे को हमारे लिए भी बुरा हो है ना तो इसी उम्मीद के साथ आज का ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं बाय बाय मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय